Question number 258, the monthly salaries of Pia and Soma are in the ratio of 5 is to 4 from her monthly salary gives 3/5 to her mother, 15% towards her sister tuition fees and 18% towards the loan, and C sops with the remaining amount, which is 2100. What is the monthly salary of Som? तो यहाँ पे from monthly salary यहाँ पे बात नहीं की गई पिया या सोम के बारे में, किसके बारे में हो रही है. लेट अस अज्यूम कर लेते हैं हम लोग पिया के बारे में बात हो रही है. तो पिया की इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, और 5:4 मंथली सैलरी में, एंड फ्रॉम हर मंथली सैलरी गिव्स 3/5 टू हर मदर, 3/5 जो है वो मदर को दी है, ठीक है. नेक्स्ट सिस को दी है, सिस्टर को दी है, वो 15% है, 15%, ठीक है. और नेक्स्ट जो है वो लोन में गया है, लोन में कितना गया, 18%, ठीक है. तो 3/5 100 है, कितना हो जाएगा 60, 15% कितना हो जाएगा 15, और 18% कितना हो जाएगा 18, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 93, ठीक है. तो जो शॉपिंग की है ना वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7, और जो 7 है ना वो 2100 के बराबर है, ठीक है. तो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी 300. तो इनिशियली इसके पास कितना था, इनिशियली इसके पास 30,000, ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं, रेशियो जो इनिशियली दिया हुआ था मंथली रेशियो, ये 4:5:4 के रेशियो में दिया हुआ था, तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30,000. तो ये कितने टाइम्स होगा, ये हो जाएगा 6,000 times, तो 4 का भी 6,000 times मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24,000. ये हमारा आंसर हुआ.